अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी मैं खेतों के अंदर जा रहा हूँ जी, खेतों की तरफ। मैंने सोचा जी आपको भी खेत दिखा देता हूँ, इधर क्या क्या इन्होंने काश किया हुआ है। और एक बात बताऊं जी, आज हमने जाना है जी शायद शादी वाले घर। काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते जी, जिधर भी शादी हो। शॉपिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही जी। आज भी शायद जाना है, घर वालों ने साथ जाना है जी, उनके साथ ही मैं जा रहा हूँ। शॉपिंग अभी रहती है घर वालों की, उसामा भी जाएगा। बाजार का नाम बता रहे थे भगवानपुरा, वो बोल रहे थे जी बड़ा मशहूर शहर है लाहौर का। शहर बोल रहे हैं लाहौर का मशहूर ही बाजार है जी भगवानपुरा। मैं गया नहीं हूँ जी, आज पहली दफा जा रहा हूँ, खुद भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा जी कैसा बाजार है भगवानपुरा। बोलते हैं जो सारा कुछ ही मिल जाता है, तकरीबन जरूरत की चीजें सारी मिल जाती हैं। फिलहाल मैं इधर खेतों के अंदर आया हूँ जी। अमरूदों के बाग हैं, ये पीछे अमरूद लगे हुए हैं जी। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ ये। हाँ जी, ये उसामा साहब भी इधर पहुंचे हुए हैं जी। अंदर मैं चलता हूँ। इन्होंने बाग ठेके पे दे दिया है, 2-3 माह के लिए ठेके पे देते हैं मेरे ख्याल से 50-60 हजार का। तो फिलहाल ये ठेके पे बाग इनके पास नहीं है, फिर भी हम खा सकते हैं जी, इतनी इजाजत है हमें। ये कच्चे हैं अभी, सुबह जो है ना सुबह वक्त वो तोड़ते हैं अमरूद। ये उसामा साहब इधर फिर रहे हैं जी, क्या ठाया हुआ यार? ये देखो अमरूद तोड़े हैं अभी, दिखाओ ना बीच में, मुझे निकाल के दिखाओ। एक पके हुए हैं कच्चे, ये देखे माशाल्लाह, बड़े मजे के अमरूद है, घर चल के खाते हैं। मुझे दोगे ना? इधर देखता हूँ जी बाग, मैं आपको भी दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तोड़ो भाई तोड़ो, ये पका हुआ अमरूद पका। हाँ ये वाला इधर देखो, ये ना कच्चा हो, बाद में मुझे शोर डाल रहे हो। शोर नहीं डालते हैं। और जनाव से तेज बीते ठीक है यार, तुमने भी शादी काल नहीं थी ना साथ ही, एक टिकट में 2 शो हो जाते। अमरूद तोड़ के घर चलते हैं, फिर जी बाजार की तरफ जाना है। भगवानपुरा किधर है यार? मैंने तो नाम ही पहली दफा सुना है। तुम्हें दिखाते हैं, बड़ी बोर है, काफी बड़ा बाजार है। ये जी मालिक आ गए, जिनको ठेके पे दिया हुआ है बाग, वो सामने लड़का आ रहा है। माशाल्लाह काफी बड़ा बाग है जी। शाम ने पिछली दफा जब मैं नहीं था आया उस वक्त पौधे उसने उखाड़ दिए थे, उसका दिमाग खराब हो गया था। ये सारे अमरूद ही है हर तरफ, कोई नजर आता ना फिर बड़ा करीब चल के आपको दिखाता हूँ। अमरूद बीज मीज में पक्के हैं और बीज में कच्चे हैं सही। ये देखे नी माशाल्लाह, काफी फल लगा हुआ है पौधों के साथ। खेतों के अंदर आके ना बंदे का दिल खुश हो जाता है जी। और खेतों में थोड़ी वाक शाक बंधा कह लेना, और साथ में वाह करे और साथ में खाए पिए अमरूद शूद वगैरह। फिलहाल जी तकरीबन खेत खाली हैं कुछ, क्योंकि अभी इधर गंदम काश करेंगे लोग, अभी इधर नहीं हुई। मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर बताया था ये लेट काश करते हैं गंदम। ये पता नहीं क्या चारा है या साग है, मुझे सही नहीं पता। और उधर आगे भी बाग है, उस तरफ हम जा रहे हैं आप। और ये जामुन का पौधा है जी, ये सारी फूल गोभी लगी हुई है जी, माशाल्लाह काफी ज्यादा लगी हुई है इस तरफ भी। अभी ऊपर फूल नहीं पड़े जी गोभी के, ये बंद गोभी लग रही है यार। ऐसे फूल गोभी कहाँ है? फूल गोभी है सरकार। अच्छा, ये सारी लगी हुई है इधर भी, ये फूल गोभी लगाई हुई है हमने। ओ आपको जरा इधर भी दिखा चुका हूँ ना, क्या दिखाऊँ अब, इधर भी जरा, इधर भी ये। अच्छा उधर भी है, मैंने नहीं देखी। उस तरफ भी खेत के अंदर लगी हुई है जी, काफी ज्यादा लगाई हुई है। 4-5 किले लगाई हुई माशाल्लाह, काफी लगी हुई है जी हर तरफ ही, चारों तरफ कोरे ही कोरे है। बच्चा बड़ा ही अच्छा तैयार हो गया आ चुका है। किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? इसको बस बहाना चाहिए जी फिरने का, घूमने फिरने का। ये भी हमारे साथ जा रहा है।
लोग जी बाजार में पहुंच चुके हैं जी, अंदर चलते हैं देखते हैं क्या हिसाब किताब है, क्या शॉपिंग करनी है। ट्रेन जा रही है जी, अभी मैं इसके ऊपर बैठूंगा, ऊपर जाके बैठने आप सब ने आ जाएं। आगे स्टेशन है वो सामने बिल्कुल। सुबह के बाजार के अंदर घुसे हुए थे, अभी शाम के 5 हो गए थे, अभी निकले, मत मारी गई, ये देखे शाप उठाट आके तरफ औरते ही औरते हैं। मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, क्या इतना रश है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है, बता ही नहीं सकता। ऐसे लग रहा था सुबह ईद है और आवाम रखी है, हम भूखे हो गए, हमारे पास पैसे नहीं, महंगाई है इतनी ज्यादा, किधर महंगाई है, खुले पैसे उड़ा के आए। 7,000 का सूट 1,00,000 रुपया था, ये मलिक साहब उधार के आ चुके हैं, मलिक धवन साहब, और बड़ा रश है जी, अभी पता नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। बाहर आए हूँ मेडिकल के बाजार से, आप बोलो ना, ही देख रहा था अपने, अब खाया भी कुछ नहीं है, सुबह से नाश्ता किया है जी बस थोड़ा सा, मत मारी गया है औरतें इतनी सी, मैंने वीडियो नहीं बनाई, बंदा अच्छा नहीं ना लगता, यही बात है ना, यही बात है जी, बिल्कुल यही बात। थोड़ी सी वीडियो बनाई है अंदर, अभी देखते हैं जी क्या करना है आगे, खाना पीना है या क्या करना है। ये अंदर सारा बाजार है जी, मेन गली अंदर की तरफ है और फिर रास्ता, अभी हम बाजार से तकरीबन बाहर आ चुके हैं जी, ये पार्किंग के अंदर बैठे हुए हैं। देखें सूरज कहाँ पे पहुंच चुका है, शाम ही हो गया तकरीबन, और रोड पे काफी ज्यादा रश है जी। अभी हम दाल चावल खाने लगे जी, बड़े मशहूर हैं इधर के दाल चावल, खाते हैं और मजे करते हैं, बड़े मशहूर चावल है दाल चावल, बच्चा शुरू भी हो चुका है सिराज का। सुबह हो चुकी है जी, रात को हम 9 बजे घर पहुंचे थे, 9 तकरीबन हो ही गए थे, और गए हम दिन को 12 बजे गए और 9 बजे वापस आए हैं जी। फैमिली के साथ मेरी सीयत हो गई जी, अंदर के बाद ना बाजार के अंदर नहीं जाना फैमिली के साथ, इतना इन्होंने खपाया है जी। एक गली से निकलते थे सारे, फिर उस गली में घुस जाते थे, एक दुकान से होके फिर उधर, सामान ठाल ठाल के, मेरी तो मत मारी गई, इतने वजनी बैग थे शापर थे, और इतना रश था जहाँ पे लेके गए हैं जी, इतना पहले जब मैं गया हूँ ना इतना रश नहीं था। मैंने उसामा को बोला यार इतना रश है, वो बोल रहा था अभी तो तुमने रश देखे ही नहीं है, 2-3 घंटे गुजरे हैं जी उसके बाद, इतना रश बंदा सही से भी नहीं सकता, इतना रश था। वो ज्यादा औरतें ही थी क्योंकि मर्द बहुत कम थे, वो सारा बाजार ही औरतों का था, हर तरफ औरतों की चीजें लगी हुई और इतना ज्यादा रश था। फिर मैंने थोड़ी सी बनाई, ये बंदा अच्छा था इधर वीडियो बनाता, सारे ये बोलेंगे ये देखो उसका दिमाग खराब हो गए, थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है। फिर हम मैं और सामा आके ना बाहर बैठ गए थे, उधर दाल चावल खाए हैं जैसा कि आपने देखा भी है, और कुछ खाया नहीं, फिर रात को आके घर खाना खाया जी। अभी घर वालों की तकरीबन थोड़ी बहुत अभी भी शादी की शॉपिंग रहती है जी, उसामा की भी अभी रहती है, वो मैं और उसामा शायद कल जाएं, और जुमे का दिन आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक जी, मैं और उसामा कल जाएंगे, उसामा की अभी शॉपिंग रहती है, उसकी भी मुकम्मल नहीं हुई अभी, तो इधर बहुत सारे काम रहते हैं जी, घर की सफाई भी करनी है, शादी वाले घर काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते जी। पूरे के कमरे में नई अलमारी बननी है लकड़ी की, उधर मैंने सफाई सही करनी है, फिर उधर घर वाले सामान रखेंगे, सफाई हो जाएगी फिर उसके बाद सामान चाना आ जाएगा, फिर मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा दूल्हे का कमरा। नाश्ता भी कर लिया है, चलता हूँ चल के सफाई करता हूँ। आज जी जितना सा व्लॉग बना है ये शॉर्ट सा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, तो मिलते ही नहीं मिला के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आजकल छोटे छोटे व्लॉग बना रहा हूँ, 5-6 मिनट के, चलें जी छोटे व्लॉग ठीक रखते हैं। चूजे निकाल लें जी, कल सुबह निकाले हैं, कल मैंने देखे थे, और देखे खाना खा रहे हैं जी माँ के साथ, 9 चूजे हैं जी, और दरादर लगे हुए खा पी रहे हैं जी। मुबारक हो उसामा मेरी तरफ से, आप भी मुबारक दें उसामा को, देखे कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह।